हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सीड, विभा और वेणु तीनों कॉलेज के दोस्त थे। तीनों काफी दिनों से घूमने का प्लान बना रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे घूमने कहां जाए। इस शहर से दूर कोई जगह हो जहाँ आता जाता कोई ना हो, एक झील हो और आसपास बस जंगल हो और साथ में थोड़ी बियर हो, क्यों, क्या कहता है सीड? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर ऐसी जगह है कहाँ? तो क्यों ना रोज वैली लेक चले गाइस। पर ये है कहाँ? होगा 200 किलोमीटर यहाँ से शायद। सुना है बहुत सुंदर है, उस लेक के आसपास बहुत सारे रोज लगे हुए हैं, इसीलिए उसका नाम रोज वैली लेक है। चलो ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। सीड के पास एक कार थी। तीनों उस कार में बैठकर रोज वैली लेक की तरफ निकल आते हैं। वे अब बस झील से 50 किलोमीटर दूर थे। एक जगह उन्होंने गाड़ी रोक दी क्योंकि वहां से दो रास्ते जा रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि रोज वैली लेक के लिए रास्ता कौन सा है, और ऊपर से मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वो सुनसान रास्ते पर इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आए। तभी उन्हें दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। विभा ने ट्रक को हाथ दिखाकर रुकवाया और पूछा, भैया ये रोज वैली लेक वाला रास्ता कौन सा है? रोज वैली लेक? मैडम, आपको वहाँ क्यों जाना है? आप मेरी मानिए तो वापस घर लौट जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ओ ओल्ड मैन, रास्ता ही तो पूछा है ना, क्यों ज्ञान बांट रहे हो? जी मैं तो बस आपको सलाह दे रहा था, आप माने या ना माने आपकी मर्जी। दाई ओर वाला रास्ता रोज वैली लेक जाता है। ऐसा कहकर उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया। विभा वापस कार में बैठी और तीनों ट्रक ड्राइवर के बताए रास्ते पर चल दिए। क्यों सीड, ये ट्रक ड्राइवर रोज वैली लेक जाने से मना क्यों कर रहा था? क्योंकि उसका खटारा ट्रक इस रास्ते पर नहीं आ सकता, इसलिए बेचारा वो भी नहीं आ सकता, तो मना कर रहा था। ऐसा कहकर सीड और विभा दोनों जोर से हंसते हैं। थोड़ी देर में रोज की खुशबू आने लगती है। वाह, क्या खुशबू आ रही है, लगता है हम लोग रोज वैली लेक पहुंच चुके हैं। सीड ने कार रोकी और बाहर देखने लगा और बोला, वो देखो फ्रेंड्स, रोज वैली लेक कितना खूबसूरत है। विभा और वेणु भी देखने लगते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक सुनहरे पानी की झील जिसके आसपास ढेर सारे गुलाब और पानी से उठता हुआ हल्का हल्का धुआं। ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो रेस्टोरेंट्स होने चाहिए थे, है ना? होना तो चाहिए था, पर पता नहीं ये जगह इतने सुनसान क्यों है। रात हो गई थी। कार को लेक से थोड़ी दूर एक साइड में लगाकर वह कैंप लगा लेते हैं, फिर उसी झील के किनारे ही आग लगाकर बैठ जाते हैं। क्या मस्त जगह है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तुम लोग बताओ, तुम्हें कैसी लगी? ऑसम यार, बहुत अच्छी जगह है, फुल एंजॉय करेंगे यहाँ तो हम। वेणु हाँ में सिर हिलाता है। तब सीड कहता है, क्या हो गया, तू इतना उदास क्यों है? यार वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, उस ट्रक वाले ने हमें यहाँ आने से क्यों मना किया था? अरे यार, कहाँ तू भी उसकी बातों में आ गया, चल छोड़ तू बियर पी। रुको यार, मुझे थोड़ा प्रेशर बन रहा है, मैं अभी आया। हाँ हाँ जल्दी जा। वेणु उस जंगल के थोड़े अंदर आ जाता है तो उसे वहाँ एक औरत दिखाई देती है जो ऊपर से नीचे तक काली थी, जिसके बिखरे बाल थे। वेणु इतनी रात में उस औरत को देखकर डर जाता है। वह भागकर सीड और विभा के पास आता है। बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ, क्या हुआ वेणु, अरे क्या देख लिया? मैंने वहाँ अभी एक औरत को देखा, चलो मेरे साथ। सीड विभा दोनों वेणु के पीछे पीछे जाते हैं। सीड वहाँ जाकर देखता है और कहता है, अरे फट्टू, कोई भी तो नहीं है यहाँ, देख कौन है, कोई भी तो नहीं है। वेणु देखता है कि अब वहाँ कोई नहीं है। तीनों वापस आ जाते हैं और अपने अपने कैंप में सोने चले जाते हैं। गुड नाइट गाइस, सी यू टुमारो। तीनों सो रहे होते हैं तभी वेणु की नींद खुलती है। अरे यहाँ तो मच्छर भी बहुत काट रहे हैं, सोने ही नहीं दे रहे। ऐसा कहकर वो कैंप से बाहर आ जाता है। तभी उसे एक लाइट दिखाई देती है। वो लाइट सीधा उसके मुंह पर आ रही थी। कौन है भाई?
ये लाइट बंद कर, आंखों में लाइट गिर रही है। लेकिन लाइट बंद नहीं होती। वेणु एक दो बार और लाइट बंद करने को कहता है, पर लाइट बंद नहीं होती है। वेणु गुस्से में उस लाइट की तरफ चल जाता है। वेणु चलता चलता एक कमरे के पास आ जाता है जहां से वो लाइट आ रही थी। वेणु के पास जाते ही वो लाइट बंद हो जाती है। तभी वेणु को एक कमरा दिखता है। कौन है भाई? कब से बोल रहा हूँ लाइट बंद कर ले, समझ नहीं आ रहा है क्या? ऐसा कहते कहते वेणु उस कमरे के अंदर चला जाता है। तभी पीछे से कोई उसके सिर पे हथौड़ा मार देता है। वेणु के सिर से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद कोई उसके सिर को पॉलीथिन में बंद कर देता है। वो छटपट आता है पर वो कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार दम घुटने से वेणु की मौत हो जाती है। विभा को पानी प्यास लगती है। वो बोतल ढूंढती है पर उसकी बोतल में पानी नहीं था। ओहो, वेणु के पास जरूर पानी होगा, उसे ले लेती हूँ। विभा वेणु के कैंप में जाती है पर उसे वेणु वहां नजर नहीं आता। तो वो तुरंत सीट को उठाती है। कहाँ चला गया होगा वेणु, यही तो सोया हुआ था। सीट और विभा दोनों वेणु को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वेणु की शर्ट दिखती है। दोनों उस रास्ते पर आगे जाते हैं। उन दोनों को भी वही कमरा दिखाई देता है। दोनों अंदर जाते हैं और दोनों आवाज लगाने लगते हैं, वेणु वेणु। पर वेणु उस कमरे में नहीं था। दोनों वापस उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी विभा के सर पर खून की बूंदे पड़ती है। विभा ऊपर देखती है और देखकर डर जाती है, क्योंकि उस कमरे के बाहर एक पेड़ पर वेणु की लाश लटकी हुई थी जिससे खून टपक रहा था। वेणु, ये क्या हो गया वेणु को? सेठ, वेणु को क्या हो गया ये? संभालो विभा अपने आप को और जल्दी से अपने कैंप में चलो, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है। दोनों वापस कैंप में डरते हुए आ जाते हैं। मुझे लगता है हम लोगों को वापस घर चले जाना चाहिए, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। वैसे भी उस ट्रक ड्राइवर ने आने से मना किया था यहाँ पर, हम लोगों को नहीं आना चाहिए था लेकिन हम लोग नहीं माने। ठीक है विभा, तुम सही कह रही हो, हम अभी यहाँ से निकल लेते हैं। सीट कार के पास जाता है और देखता है कार के चारों टायर पंचर है। सीट ये देख कर चौंक जाता है। जो गाड़ी थोड़ी देर पहले अच्छी खड़ी थी वो पंचर कैसे हो गई? वो दौड़ कर विभा को ये बात बताने जाता है। पर जैसे ही वो कैंप में जाता है, विभा कैंप में नहीं थी। विभा को ढूंढता ढूंढता सीट वापस कार के पास आ जाता है। वो अपनी कार के ऊपर विभा के लाश को देखता है और एक चाकू विभा की पीठ में लगा था। थोड़ी देर पहले जब सीट कार के पास आया था तब विभा अकेली डरी हुई कैंप में बैठी हुई थी। तभी उसे सीट की आवाज में कोई बाहर बुलाता है। विभा कैंप से बाहर आ जाती है। तभी कोई उसकी पीठ पर चाकू मार देता है। विभा जैसे ही चीखने लगती है उसकी गर्दन में एक चाकू आर पार हो जाता है। फिर जैसे ही सीट वापस कैंप में आता है, इतनी देर में विभा की लाश को कोई सीट की कार के ऊपर फेंक जाता है। अब सीट विभा की लाश को देखकर रो रहा था। तभी कोई एक कुल्हाड़ी सीट की पीठ पर मारता है। सीट पीछे घूमता है। तभी वो शख्स सीट के सीने पर कुल्हाड़ी मार देता है। सीट की भी वही मौत हो जाती है। कुछ साल पहले इस वैली के पास एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। एक दिन एक बिजनेसमैन की नजर इस सुंदर जगह पर पड़ी। उसने यहाँ एक होटल खोलने की सोची, मगर बस्ती वालों के घर और खेत दांव पे लगने के कारण उन्होंने इस होटल का विरोध किया। बिजनेसमैन ने साम दाम दंड भेद सभी प्रकार इस्तेमाल किया। बस्ती के बाकी लोग तो बस्ती छोड़कर चले गए, मगर एक औरत जिसका इस दुनिया में अपने छोटे बच्चे के अलावा कोई नहीं था, उसने अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद एक सुबह जब होटल के लिए पेड़ तोड़े जा रहे थे, तभी एक बड़ा पेड़ जाकर उस औरत के घर पर गिरा। उस हादसे में वो औरत तो बच गई पर उसका नन्हा बच्चा नहीं बच पाया। इस हादसे के बाद कमला वहां कभी नहीं दिखी, पर तभी से वहां मौत का तांडव शुरू हुआ। आपको क्या लगता है, पैसों के जोर पर गरीब लोगों के घर उजाड़ना सही है? और आखिर इन सबको मार कौन रहा था? कमला,
या उस बच्चे का भूत कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।